नमस्कार, वेलकम टू एक्सा बिश्मैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के आपका जो सवाल हर वीडियो में लगभग जो कमेंट आप करते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपका रहता है वो बिल्कुल बेसिक रूल्स का बारे में, जैसे कि आपका ये बीमारी है तो आपको कितना पेंशन मिलेगा, आपका ये 3 परमानेंट है तो क्या फील्ड में हुआ था या पीस में हुआ था क्या डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, सर्विस 14 साल हो गया अगर सीओ घर भेज देते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो भी आपका सवाल है, इन सवालों का जवाब पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1 और सिमिलरली आप नेवी या एयरफोर्स का भी जो पेंशन रेगुलेशन है उसमें दिया हुआ है, पर वो रेडीली अवेलेबल नहीं होता है। जो सर्विंग पर्सनल है खास करके, उनको ये सब जो रेगुलेशंस है नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया तो पढ़ने का टाइम इतना कहाँ किसके पास है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये कंसोलिडेटेड एक बिल्कुल समराइज करके जो पेंशन रेगुलेशन है उसका जो बेसिक रूल्स है उसको समराइज करके एक आर्टिकल बनाया बिल्कुल प्लेन सरल सा हिंदी में, और वो उपलब्ध है www.esminfoclub.com। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ ये जो ईमेल, जो वेबसाइट वेब एड्रेस है, हमारा वेबसाइट का जो एड्रेस है यहाँ पे, और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका लिंक भी दिया हुआ है, तो उसमें क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ कि बेसिक रूल्स क्या है डिसेबिलिटी पेंशन का, क्या ये रूल्स, कौन सा रूल्स है जो कि सेटिस्फाई करने से आपको डिसेबिलिटी पेंशन या इनवैलिड पेंशन मिल सकता है, और ऐसे कौन सा क्राइटेरिया है जिसे नहीं मिलेगा। देखिए, मेनली ब्रॉडली जिसे कहा जाता है कि मेडिकल पेंशन, ठीक है, मेडिकल पेंशन 2 तरह का हो सकता है, ठीक है। अगर और भी गहराई में जाएंगे तो 3 तरह का है, एक है वॉर इंजरी पेंशन, दूसरा है डिसेबिलिटी पेंशन और तीसरा है इनवैलिड पेंशन। वॉर इंजरी पेंशन आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हॉस्टाइल एक्टिविटी, जो बैटल फील्ड में या फिर फील्ड में कोई कैजुअल्टी होता है तो उसमें जो पेंशन मिलता है वो डबल ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन होता है, तो वॉर इंजरी पेंशन हो गया, वो अलग है, वो बहुत कम होते हैं। नॉर्मली आप लोग करते हैं जिन जो एप्लीकेबल है आप लोगों के लिए, वो है डिसेबिलिटी पेंशन और इनवैलिड पेंशन। तो डिसेबिलिटी पेंशन क्या है, इनवैलिड पेंशन क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन का मतलब यह है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो फौज का सर्विस का वजह से हुआ है और सर्विस के दौरान हुआ है, यानी कि कोई ना कोई कनेक्शन फौज का सर्विस, मिलिट्री सर्विस का साथ आपका जो डिसेबिलिटी है, जो बीमारी है, उसका कोई ना कोई एक कनेक्शन होगा, चाहे वो कैजुअल हो या कोई वाइटल कोई कनेक्शन हो, डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है, कैजुअल कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे किसी को ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, ठीक है। तो ये आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि फौज का सर्विस का वजह से ही हुआ है, ऐसे डायरेक्ट लिंक जो है आप नहीं बढ़ा सकते हैं कि किसी को काम करने गया और उसकी वजह से उसको ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, ऐसे नहीं कह सकते आप। तो ये जो क्या है, इसमें एट्रिब्यूटेबल नहीं है, पर मान लीजिए आप कहीं फायरिंग रेंज में गए और फायरिंग करते समय आपका क्या बोलते हैं, जो इंसास का जो है लग के आपका कंधे में चोट आ गया और डिसलोकेट हो गया, तो ये क्या है, इसका तो डायरेक्ट लिंक है ना, कि आप फौज का जो ट्रेनिंग का दौरान आपको चोट लगा हुआ है, फौज का सर्विस का दौरान आपको चोट लगा हुआ है, तो ये हो गया एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। और दूसरा जो कैजुअल लिंक था, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, ये कैसे हुआ, आपका हेल्थी में पोस्टिंग हुआ था, आपको हर्ष कंडीशन में आपको मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में जॉब करना पड़ता है फौज का जो सर्विस है, तो इस वजह से ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है लोगों को ड्यूरिंग द सर्विस, ड्यूरिंग मिलिट्री सर्विस, तो ये जो कंडीशन है इसे कहते हैं एग्रीवेटेड बाई मिलिट्री सर्विस। तो देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन पाने के लिए आपका डिसेबिलिटी या तो एट्रिब्यूटेबल होना चाहिए या फिर एग्रीवेटेड होना चाहिए। अब एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड का मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर आपका जो मेडिकल बोर्ड है ये दोनों में ही नो नो लिख देता है, नॉट एट्रिब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड होता है, इस केस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिसेबिलिटी पेंशन मिलने का जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो आपको बता दिया, आइदर एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि आपका डिसेबिलिटी इन केस ऑफ रेगुलर रिटायरमेंट, जैसे आप पूरा सर्विस करके जा रहे हैं या फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहे हैं, इन केस में मिनिमम 20% होना चाहिए, ठीक है, प्लस एट्रिब्यूटेबल या फिर एग्रीवेटेड होना चाहिए, ये क्राइटेरिया हो गया दोनों। और इन केस ऑफ इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट,
उस केस में मिनिमम 1% होना चाहिए, 1% होगा तो ब्रॉडबैंड होके 50% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो गया डिसेबिलिटी पेंशन। अब डिसेबिलिटी पेंशन अमाउंट क्या है ये भी आप जानना चाहते हैं। देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन का दो अलग अलग कैटेगरी हो गया, एक है बिलो 15 ईयर्स ऑफ सर्विस वालों के लिए, दूसरा है अबाव 15 ईयर्स ऑफ सर्विस के लिए। बिलो 15 ईयर्स का जो सर्विस है उनको क्या है, पेंशन ऑथोराइज नहीं है, है ना, सर्विस पेंशन ऑथोराइज नहीं है। तो उनको क्या है, दो एलिमेंट मिलेगा, एक सर्विस एलिमेंट, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट क्या है, सर्विस पेंशन का बराबर हो गया। डिसेबिलिटी एलिमेंट क्या है, डिपेंड्स ऑन योर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। अगर आपका 100% डिसेबिलिटी है तो आपका जितना बेसिक पे है उसका 30% होगा आपका डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट। और दूसरा सर्विस एलिमेंट कितना होगा, आपका जो बेसिक पे है, बेसिक पे मीन्स एमोलुमेंट्स। अब एमोलुमेंट्स क्या है, वो हमारा जो वेबसाइट है उसमें दिया हुआ है, उसमें आप पढ़ के देख लीजिए, क्लिक करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो एमोलुमेंट्स का 50% हो जाएगा आपका सर्विस एलिमेंट, सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट, ये दोनों ही हो गया। और डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए कोई मिनिमम सर्विस का जरूरत नहीं है, एक दिन सर्विस है तब भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसके लिए ऐसे नहीं है कि मिनिमम 10 साल होना चाहिए, 15 साल होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, नहीं है कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब आते हैं जो अबाव 15 ईयर्स है। देखिए, अबाव 15 ईयर्स है तो आपको सर्विस पेंशन ऐसे ही ऑथोराइज है, दूसरा क्या, डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिल जाएगा, है ना। दो चीजें आपको मिलेंगे, एक सर्विस पेंशन हो गया, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट हो गया, डिसेबिलिटी एलिमेंट आपको मिलेगा, ओके। डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलने का क्या तरीका, वही है कि 30% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा 100% डिसेबिलिटी के लिए। अगर आपका डिसेबिलिटी 50% है तो 15% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा, सिंपल से कैलकुलेशन है। अच्छा, ये तो क्या डिसेबिलिटी पेंशन। अब आते हैं इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन है क्या चीज, देखिए इनवैलिड पेंशन किनको मिलता है, जिनका डिसेबिलिटी नॉट एट्रिब्यूटेबल, नॉट एग्रीबिटेड बाय मिलिट्री सर्विस, बट इन जनरल 10 साल से लेकर के 15 साल का बीच में जिनका सर्विस है, वो अगर सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट उनको नहीं दिया जा रहा है, या फिर अनुलिंग करके जा रहा है, या फिर मेडिकल बोर्ड आउट हो रहे हैं, इस केस में जिनका डिसेबिलिटी नॉट एट्रिब्यूटेबल, नॉट एग्रीबिटेड, यानी कि एनएएनए केस है, उनको डिसेबिलिटी पेंशन ऑथोराइज नहीं है, इनवैलिड पेंशन ऑथोराइज है। अमाउंट कितना है इनवैलिड पेंशन का, देखिए इनवैलिड पेंशन का अमाउंट है, सिंपल सी बात है, अमाउंट है 50% ऑफ एमोलुमेंट्स, यानी कि बेसिक पे, एमएसपी, क्लास पे, ग्रुप एक्स पे जितना होगा टोटल उसका 50% हो गया आपका इनवैलिड पेंशन, ये लाइफ टाइम के लिए मिलता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब सवाल यह है कि जिनका 10 साल से नीचे वाला सर्विस है उनका क्या है। देखिए 2019 तक इनको तो इनवैलिड पेंशन ऑथोराइज नहीं था, पर 2019 से लेकर के जो लोग रिटायर हुए हैं एनएएनए केस में बिलो 10 ईयर, उनको भी इनवैलिड पेंशन ऑथोराइज कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, पर कुछ कंडीशन लागू। कंडीशन ये है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो फुल्ली इनकैपेसिटेटेड फॉर सिविल एंड मिलिट्री, दोनों के लिए ही अक्षम होना चाहिए, सक्षम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अनफिट फॉर मिलिट्री सर्विस तो है ही, तभी आपको घर भेजा जा रहा है, पर अगर अनफिट फॉर सिविल सर्विस होगा तभी आपको बिलो 10 ईयर्स का केस में इनवैलिड पेंशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, आपको केवल मात्र इनवैलिड ग्रेच्युटी मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि डिसेबिलिटी पेंशन और इनवैलिड पेंशन का जो बेसिक रूल्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ जानना है तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, और हर सैटरडे एंड संडे 8:30 PM लाइव इंटरेक्शन होता है आपके साथ, आप हमारा लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए सैटरडे एंड संडे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।